हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिस पेपर 1। तो आइए पेपर जो है वो देख लेते हैं कि पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। आपका जो है टाइमिंग है आपको दी जाएगी 2 आवर्स की और आपका पेपर होने वाला है 40 मार्क्स का, ठीक है। सेक्शन ए जो है वो आपको मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का होगा। टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे तो ये 8 मार्क्स के हैं। पार्ट बी में आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के हैं, तो पार्ट बी जो है वो आपका 8 मार्क्स का है। पार्ट सी है, उसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये भी जो है वो आपके हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है। टोटल ये आपका पार्ट सी जो है वो 12 मार्क्स का होगा। पार्ट डी में आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, लेकिन सिर्फ आपने 2 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा, तो टोटल ये पार्ट डी आपका 12 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। आप पहले सबसे पहले आपको बोला गया है कि सही उत्तर का चुनाव करें, ठीक है। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लोहे की कमी से रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, ब्लड में हीमोग्लोबिन जो है उसकी कमी हो जाती है। अष्टांग योग के कितने अंग है? तो अष्टांग नाम से पता चल रहा है, अष्ट अष्ट मतलब होता है 8, ठीक है। तो अष्टांग योग के 8 जो है वो अंग है। चर्बी के निम्न में से कौन से कार्य नहीं है, मतलब जो फैट्स है वो कौन सा काम इसमें से नहीं करता? तो जो फैट होता है वो शक्ति भी देता है हमें, हमारी बॉडी को जो है वो गर्मी भी प्रदान करता है और हमारे तापमान को, जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको भी इस मेंटेन करके रखता है, लेकिन हड्डियों को मजबूत नहीं बनाता, ठीक है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए हमें कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किला रायपुर की खेलें कब शुरू हुई थी? तो आंसर है 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ विटामिन सी का स्रोत नहीं है? विटामिन सी जो है वो सिट्रस फ्रूट से, यानी कि खट्टे पदार्थों से मिलता है, खट्टे फ्रूट से मिलता है, ठीक है। तो संतरा भी खट्टा होता है, नींबू भी खट्टा है, अमरूद में भी खटास होती है, तो ये मूंगफल। सीपीआर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो सीपीआर का प्रयोग जो होता है वो हृदय गति चालू करने के लिए किया जाता है, यानी हार्ट बीट को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किला रायपुर में खेले जाने वाली खेले कब कराई जाती है? तो आंसर है फरवरी। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? अभिनव बिंद्रा जो है वो निशानेबाजी से के खेल से जो है वो संबंधित है। सेक्शन बी जो है इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक सहायता किसे कहते हैं? तो वो सहायता जो किसी रोगी या जख्मी व्यक्ति को, ठीक है, घटना स्थल पर डॉक्टर के आने से पहले, कि जब तक डॉक्टर जो है वो नहीं आते उससे पहले जो एक पेशेंट को कह सकते हो या फिर जिसको चोट लगी है उसको जो मतलब कि आप कह सकते हो सहायता दी जाएगी, ठीक है, उसको जो है वो प्राथमिक सहायता कहते हैं। अनुशासन का क्या अर्थ है? कुछ विशेष नियमों का पालन करते हुए कार्यों को पूरा करना ही अनुशासन कहलाता है। तो जब आप नियमों का यानी कि रूल्स को फॉलो करते हुए कोई काम करते हैं तो आप अनुशासन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अनुशासन जिम्मेदारी की भावना, कर्तव्यों का पालन, अपने हितों की रक्षा एवं परोपकार करने की योग्यता प्रदान करता है। तो अनुशासन से आपने जिम्मेदारी की भावना आती है, ठीक है, कर्तव्यों का आप अपने पालन कर रहे हो, अपने हितों की रक्षा करते हो और परोपकार जो है वो करते हो। अष्टांग योग के बारे में आप क्या जानते हो? अष्टांग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से मिलकर हुई है, ठीक है, अष्ट और अंग। अष्ट का अर्थ है 8 और अंग का अर्थ होता है भाग, ठीक है। तो अष्टांग योग से अभिप्राय क्या बना? 8 अंगों का योग, यानी कि 8 अंग जो है वो उसके कॉम्बिनेशन को अष्टांग कहते हैं। अष्टांग योग द्वारा मनुष्य अपने सामाजिक जीवन, मन पर नियंत्रण और अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकता है। अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रतिहार, धारणा, ज्ञान एवं समाधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नशों के कुप्रभाव लिखिए। तो नशे जो है वो मनुष्य को के शरीर को खोखला कर देती है। इनके सेवन से व्यक्ति को कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है, हृदयघात यानी हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ जाती है। नशे के कारण व्यक्ति का अपने आप पर नियंत्रण नहीं रहता, वह बिना किसी कारण लोगों से लड़ाई झगड़ा करता है और उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। नशा करने से समाज में व्यक्ति के चरित्र पर दुष्प्रभाव पड़ता है तथा धीरे धीरे समाज में से उसकी सांझ जो है वो खत्म हो जाती है। तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसमें से सिर्फ 2 पॉइंट जो है वो एग्जाम में लिख सकते हैं।
सेक्शन सी जो है इसमें आपको जो है वो हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है आपको, नशों के बढ़ रहे रुझान के लिए कौन कौन से कारक जो है वो जिम्मेदार है। तो उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार है? सामाजिक कारक। सामाजिक कारण जो है, आजकल गीतों और फिल्मों में नशे के दृश्य जो है वो दिखाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि सॉन्ग्स में या मूवीज में क्या करते हैं कि कभी किसी को स्मोकिंग करते हुए दिखा देते हैं, कभी ड्रिंक करते हुए दिखा देते हैं, है ना। जो मतलब बेसिकली एक्टर्स को भी इस तरीके से दिखा देते हैं जिनको लोग कॉपी करते हैं। तो जो है क्या करते हैं, बच्चे जो है वो उनकी नकल करते हैं और इस प्रकार नशों की ओर उन्मुख होते हैं, मतलब उसकी ओर अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट है आपका पारिवारिक कारण। तो क्या होता है कि घर में जब लड़ाई झगड़े के कारण या माता पिता जो है वो अपने बच्चों को ज्यादा ही लाड़ प्यार करते हैं, तो जिसके कारण क्या होगा, बच्चे बिगड़ जाएंगे, वो नशों की तरफ जो है वो उसकी आदत जो है वो बढ़ती जाती है। इसके बाद है मंत्रिमंडली का प्रभाव। तो बच्चे के मंत्र कुछ मतलब कि फ्रेंड ग्रुप जो होता है उसके अंदर जो है वो कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि नशा करते हो, ठीक है। तो इसका भी बच्चे पर जो है वो बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका तकनीक का प्रभाव। तो आजकल जो है वो इंटरनेट के जो है वो अलग अलग ढंग से उसमें बताया जाता है कि नशे को किस तरीके से करना है, अलग अलग मेथड जो है वो बताए जाएंगे, ठीक है। तो नशे करने के ढंग जो है वो बड़ी सुविधा से बच्चा जो है वो सीख लेता है कि किस किस तरीके से नशा जो है वो किया जा सकता है, और इस तरीके से बच्चा जो है वो नशे के जाल में फंस जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो योग का क्या उद्देश्य होता है? सबसे पहले होता है व्यक्ति को स्वस्थ बनाना, ठीक है। यानी कि योग जो एक तरीके का क्या है, शारीरिक व्यायाम है, ठीक है, एक्सरसाइज है। सही यदि सही ढंग से नियमित रूप से योग का अभ्यास किया जाए तो व्यक्ति का शरीर जो है हमेशा बलशाली है, स्ट्रांग बना रहेगा, हेल्दी बना रहेगा और चुस्त बना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है चुस्त मतलब एक्टिव बना रहेगा। सेकेंड पॉइंट है आपका मानसिक तौर पर स्वस्थ बनाना। तो ये व्यक्ति को मानसिक तौर पर स्वस्थ बनाता है, व्यक्ति के एकाग्र कर के एकाग्र जो है उसको स्थिर करता है, ठीक है। यानी कि उसका जो कंसंट्रेशन है उसको जो है वो स्थिर रखेगा, जिससे जो है वो व्यक्ति मानसिक तौर पर मजबूत बनता है और उसमें आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस जो है वो जागता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भावनाओं पर नियंत्रण करना। भावनाओं पर नियंत्रण यानी इमोशंस को कंट्रोल करना। तो योग द्वारा जो है हम अपनी भावनाओं को नियंत्रण में ला सकते हैं, और इसलिए चिंता और परेशानियों से घिरे लोगों के लिए जो योग है वो एक तरीके से ब्लेसिंग यानी कि वरदान जो है वो सिद्ध होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आध्यात्मिक जीवन, ठीक है। तो योग आसन व्यक्ति को उसके मन को एकाग्र करने में सहायक होते हैं, उसके मन को क्योंकि एकाग्र कर रहा है, ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है उसका, जिसके फलस्वरूप क्या होता है उसको आत्मिक शांति मिलती है, यानी कह सकते हैं उसकी आत्मा को शांति मिलती है, और इस कारण उसमें आत्मविश्वास जागृत होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत होगा, मानवीय मूल्य और नैतिकता जो है वो उत्पन्न होगी, यानी कि नैतिकता यानी कि मॉरल वैल्यूज जो है वो जागृत होगी, इससे वो अच्छे काम की ओर अग्रसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेल विद्यार्थियों के जीवन में अनुशासन कैसे उत्पन्न करती है? तो खेल विद्यार्थियों के निम्न तरीके से अनुशासन सिखाती है, जैसे वो उसको समय का पाबंद बनाएगी। अब जो खिलाड़ी होगा वो क्या करेगा, ठीक है, वो हर दिन जो है वो समय पर जाएगा, अपने मैदान में अभ्यास करेगा उसका, तो वो समय का पाबंद बन जाएगा, ठीक है, तो अनुशासन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। आज्ञाकारी, अब जो खेल खेलते टाइम जो है वो खिलाड़ी को जो है अपने कप्तान की भी बात सुननी पड़ती है, कोच की बात सुननी पड़ती है, रेफरी की बात सुननी पड़ती है, और उनको मानना भी पड़ता है, तो जिसकी वजह से वो आज्ञाकारी बन जाएगा। सहनशील, ठीक है, अब उसको जो है वो यहाँ पर सहनशील जो है वो होना पड़ेगा। अगर वो जीत जाता है तो वो मतलब कि अपनी खुशी के लिए इतना पागल ना हो जाए, और लेकिन अगर वो हार जाता है तो वो अपने दुखों के लिए जो है वो बहुत ज्यादा निराश जो है वो भी ना हो जाए। नेक्स्ट है आपका ईमानदार। ऐसा व्यक्ति जो जो खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, वो ईमानदार, उसको ईमानदार बनाने की ओर वो अग्रसर होता है, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, क्योंकि अब उसे पता है कि उसको जो है वो रूल को फॉलो करना है, सच्ची भावना से खेलना है, चीटिंग नहीं करना, ठीक है, तो वो ईमानदार बनेगा। तो जो व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, अनुशासन के अकॉर्डिंग जो है वो काम करेगा। क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार की ओर से अभिनव बिंद्रा को कौन कौन से अवार्ड जो है वो प्रदान किए गए? तो भारत सरकार की ओर से अभिनव बिंद्रा को अर्जुन अवार्ड, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड आदि विशेष अवार्ड जो है वो प्रदान किए गए। सेक्शन डी, इसमें आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 6 मार्क्स का हर क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा आंसर लेंदी लिखना है। विटामिन ए क्या होता है, इसकी कमी व अधिकता के बारे में लिखिए। तो विटामिन ए जो है वो एक प्रकार का रासायनिक तत्व है, ठीक है, केमिकल है कह सकते हो, जो कि अंडे की जर्दी, पपीता, गाजर, मछली आदि में पाया जाता है।
ये चर्बी में घुलनशील होता है, यानी कि फैट में डिसॉल्व होगा ये, ठीक है, फैट में घुल जाएगा। ये विटामिन बच्चों की वृद्धि तथा विकास के लिए अत्यंत जरूरी है। ये हमारी चमड़ी को स्वस्थ रखता है, हमारी जो स्किन है उसको हेल्दी रखेगा। तो इसकी कमी से होने वाली जो है वो कौन कौन सी कमियां हैं, आप कह सकते हैं विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी कमियां होंगी या हानियां होंगी हमें, इससे शरीर में छूत के रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा आंखों में खारिश और जलन होने लगेगी, अंधराता बीमारी हो जाती है। अंधराता बीमारी कौन सी होती है, जिसमें कि आपको थोड़ा सा भी अंधेरा होता है तो आपको दिखना जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है, आपको दिखाई नहीं देता थोड़े से भी अंधेरे में। अश्रु ग्रंथियां कार्य नहीं करती, अश्रु ग्रंथियां जो है वो आंसू जो है वो वहां से आती है, ठीक है, अश्रु ग्रंथियों से हमारे आंसू जो है वो डेवलप होते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगी, जो गुर्दे हैं उसमें पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट, अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए जो है वो ज्यादा हो जाए तो उससे कौन कौन से नुकसान होंगे। इससे जो है वो आपके शरीर की त्वचा जो है वो सूख सकती है, हाथों और पैरों की उंगलियों में सूजन आ जाती है, कमजोरी और थकावट महसूस होगी, ठीक है, कब्ज, सर दर्द और जोड़ों में दर्द जो है वो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन खाने से संबंधित जरूरी नियमों का वर्णन करें। तो यदि समुचित ढंग से पकाए हुए भोजन को खाने के समय कुछ नियमों का पालन अगर हम कर ले तो हम उस भोजन का जो है वो संपूर्ण लाभ जो है वो उठा सकते हैं, फायदा ले सकते हैं, ठीक है। तो भोजन खाने के समय में हमें जो है वो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भोजन खाने से पहले हमें अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए, ठीक है, नाखून हमेशा काट कर रखने चाहिए, खाने को हमेशा जो है वो प्रॉपर क्वांटिटी में खाना चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बहुत कम नहीं खाना चाहिए, अधिक मात्रा में अगर हम ज्यादा, मतलब कि कह सकते हैं अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में खाना खाते हैं तो खाना जो है वो सही तरीके से पचेगा नहीं। भोजन जो है यानी कि जो आपका खाना है वो शीघ्र पचने योग्य होना चाहिए और पौष्टिक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। भोजन अच्छी तरह से चबाकर धीरे धीरे खाना चाहिए। भोजन बासा नहीं होना चाहिए, मतलब बासी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बासा भोजन होता है वो वशीला हो जाता है, उसका नेचर जो है वो थोड़ा आप कह सकते हो पॉइजनस हो जाता है, ठीक है। भोजन खाने के तुरंत बाद जो है वो आपने एक्सरसाइज नहीं करना, कोई योगा नहीं करना, या अपने शरीर से ज्यादा मेहनत वाला काम जो है वो नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अच्छा वर्ड जो है, अच्छी वर्ड जो है वो गलत लिखा हुआ है, बीच में अ और मतलब छी के बीच में आधा च आएगा, ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आ रही है तो इसको अभी लाइक करें और जो है हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेफर विधि द्वारा बनावटी सांस जो है वो कैसे दी जाती है, उसके बारे में बताना है। तो शेफर विधि द्वारा सबसे पहले क्या किया जाता है, जो भी जिसको भी सांस दी जा रही है, ठीक है, उस रोगी को यानी उस पेशेंट को पेट के बल लिटाना है, ठीक है, और उसके बाद जो प्राथमिक सहायक है यानी कि जो हेल्प कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट एड दे रहा है, वो उसके आगे की ओर झुकेगा और अपने शरीर का भार जो है, ठीक है, ये भर नहीं है, भार है, अपने उसके शरीर, अपने शरीर का भार जो है वो रोगी की कमर पर डालेगा, जिससे क्या होगा, रोगी के जो डायफ्राम है उस पर दबाव पड़ने के कारण उसके फेफड़ों में से हवा जो है वो बाहर निकलेगी। तो अब डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम जो होता है वो आपके लंग्स और आपके पेट के बीच में मसल्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपको एक्सरसाइज मतलब कि कह सकते हो इनहेल एक्सहेल सांस लेने की प्रक्रिया में आपकी हेल्प करते हैं। तो क्या होगा, इससे अर्थात इससे श्वास जो है वो बाहर निकलेगी। अब आप उसका पेट जो है ना वो दबा रहे हो, उसका कमर दबा रहे हो, तो हवा जो है वो बाहर निकलेगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इस प्रक्रिया को आपको 2 सेकंड का टाइम लगेगा। अब जो है वो पहली वाली स्थिति में आ जाए, यानी कि अब आपने उसकी कमर पे से हाथ हटा लेना है और आपने रिलैक्स करना है, ठीक है, उसको भी रिलैक्स करने देना है। दबाव जब कम हो जाएगा तो क्या होगा, सांस जो है वो उसकी बॉडी के अंदर फिर से भर जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार सांस अंदर लेने की क्रिया जो है वो लगभग 3 सेकंड में पूरी हो जाएगी, और कंप्लीट मतलब इस प्रोसीजर को एक बार इनहेल और एक्सहेल का, ठीक है, सांस अंदर लेने की क्रिया और बाहर छोड़ने की क्रिया को पूरा 5 सेकंड लगेगा। 2 सेकंड जो है वो सांस बाहर निकालने में, 3 सेकंड सांस भरने में, 5 सेकंड लगेगा। तो 1 मिनट में जो है वो आप इसको 12 बार जो इस प्रक्रिया को दोहराएंगे, और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराया जाएगा जब तक कि प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरली जो है वो इनहेल एक्सहेल सांस लेने की प्रक्रिया जो है वो खुद जब तक स्टार्ट ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक सहायता के बॉक्स में कौन कौन सा सामान जो है वो होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स में आप कौन कौन सा सामान रखोगे। तो एंटीसेप्टिक तथा कीटनाशक, कीटाणुनाशक, साबुन, बर्नॉल, टेंचर, आयोडीन, डेटॉल रखोगे, अलग अलग प्रकार की फट्टियां रखोगे, ठीक है, एक साफ रुई का पैकेट रखोगे, दवाई को नापने के लिए ग्लास रखोगे, सांस को ठीक करने के लिए इनहेलर रखोगे, ठीक
एडहेसिव टेप यानी कि चिपकाने वाली जो टेप, चिपकाने वाली टेप रखोगे, ओआरएस के पैकेट्स रखोगे, ठीक है, जो लूज मोशन वगैरह में दिए जाते हैं, गोल पट्टियां और गर्म पट्टियां भी रखोगे, भिन्न भिन्न प्रकार के कीटाणु रहित फाहे या रुई के फाहे रखोगे, ठीक है। इसके अलावा थर्मोमीटर, चिमटी, कैंची, टॉर्च तथा सेफ्टी पिन जो है वो रखोगे। तो यहाँ पर आपका जो है वो प्रैक्टिस पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इनकेस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।